नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश, और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गर्मी की बात करेंगे। बीते 3 दिनों से गर्मी और लू के थपेड़ों ने आम जनजीवन को काफी प्रभावित किया। तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 3-4 दिनों तक इसी तरह लू के थपेड़े परेशान करते रहेंगे। पहले लॉकडाउन ने लोगों को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया, तो अब गर्मी जो है वो कहर ढा रही है। अगर राजधानी लखनऊ और उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले 2 दिनों से पारा जो है वो काफ़ी चढ़ गया है। तापमान कल की अगर बात करें तो वो लखनऊ में 44 डिग्री तक जा पहुंचा था, और आज की अगर तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक जाने का अनुमान है। बीते साल भी अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक गया था। न्यूनतम तापमान ज़रूर 28 डिग्री के आसपास रहेगा। ये हजरतगंज चौराहे का नज़ारा है, और आप देखिए किस तरीके से, हालांकि लॉकडाउन भी चल रहा है, संडे भी है, लोग कम निकल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद गर्मी ने कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी परेशान किया है। जो भी लोग जा रहे हैं वो आप देखिए गर्मी से बचाव का इंतज़ाम कैसे किया हुआ। आप ये देखिए, एक इधर आपको अगर दिखाएं तो ये एक फल वाला है, और वो कैसे उसने इंतज़ाम किया है गर्मी से खुद को बचाने के लिए। साफ तौर पर मौसम विभाग का कहना है कि दरअसल ये जो गर्मी बढ़ी है, जो प्री मानसून एक्टिविटी पहले हो रही थी वो अब नहीं हो रही है। पश्चिमी हवाएं आ रही हैं पाकिस्तान से, राजस्थान से, और दूसरी जो एक बड़ी वजह है कि जो थोड़ी बारिश हो रही थी वो अब एक्टिविटी नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, इसलिए मौसम पूरी तरह से शुष्क बना हुआ है। क्यों, गर्मी अब और बढ़ गई है? गर्मी से परेशान हो? बहुत परेशान भाई। लेकिन तुमने इंतज़ाम भी करके रखा है गर्मी से बचने का, तो भी कोई दिक्कत नहीं हो पा रही है? कौन नहीं फर्क पड़ रहा, बहुत गर्म लग रही है। तो देखिए बहुत गर्मी है, और मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि 27 मई तक इसी तरह का जो तापमान है वो बना रहेगा। 28 मई के बाद से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, और तब लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत मिलेगी। जो पारा है वो तब 40 डिग्री या उससे थोड़ा सा नीचे पहुंचेगा, लेकिन अभी फिलहाल 27 मई तक गर्मी से राहत मिलने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। कैमरा सहयोगी जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। कोरोना के खौफ के बीच संगम नगरी प्रयागराज में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। यहां पर तापमान 42 डिग्री का आंकड़ा पार कर चुका है। भीषण गर्मी की वजह से रात में भी लोगों को चैन नहीं मिल रहा है। ऐसे में तमाम लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। तपन से बचने के लिए लोग केवल जरूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं। कोरोना की महामारी के बीच संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। यहाँ तापमान 42 डिग्री का आंकड़ा पार कर गया है, तो साथ ही उमस भरी गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है। लॉकडाउन की वजह से प्रयागराज में इन दिनों वैसे भी सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है, लेकिन ज़बरदस्त गर्मी ने इस सन्नाटे को और बढ़ा दिया है। ज़्यादातर लोग बेहद ज़रूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलते हैं। जो लोग बाहर निकलते हैं वो भी पूरी तरह से एहतियात बरतते हैं, पानी की बॉटल साथ लेकर चलते हैं, अपने सिर और चेहरे को गमछे से ढके रहते हैं। तमाम लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। सरकारी और ज़्यादातर प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी इन दिनों बंद है। साथ कहा जा सकता है कि ओपीडी बंद होने की वजह से जो लोग गर्मी से बीमार हो रहे हैं उन्हें खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में हमने देखा था, जब सड़कों पर वाहन नहीं चल रहे थे तब तापमान सामान्य से काफ़ी कम रहता था, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन में छूट मिलना शुरू हुई है, सड़कों पर वाहन चलना शुरू हुए हैं, एयर कंडीशन चलने लगे हैं, आप देख सकते हैं कि तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस में। दोपहर का वक्त है, लेकिन सड़कों पर पसरा सन्नाटा ये बताने के लिए काफ़ी है कि आसमान से बरस रही आग लोगों को किस तरह से बेचैन कर रही है। अगर सरकारी इंतजामों की बात करें तो प्रशासन की तरफ से जगह जगह पानी के टैंकर लगा दिए गए हैं, ताकि गर्मी से बेहाल लोग, खासकर जो प्रवासी मजदूर हैं, उन्हें रास्ते में कम से कम पीने के पानी को लेकर कोई दिक्कत ना हो। वैसे मौसम के जानकारों की माने तो प्रयागराज के लोगों को अगले कुछ दिनों तक गर्मी से निजात नहीं मिलने वाली है, और आने वाले दिनों में तापमान लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि चौथे लॉकडाउन में लोगों को थोड़ी रियायत ज़रूर मिल गई है, लेकिन कोरोना की महामारी और बढ़ते तापमान से लोगों को फिलहाल निजात नहीं मिलने वाली है, और लोगों को कोरोना और गर्मी के कहर के साथ ही जीना होगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज।
और वाराणसी में भी पारा 40 डिग्री पहुंच चुका है। भीषण गर्मी की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार तापमान बढ़ने की वजह से देर शाम तक गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। सड़क पर सन्नाटा और घरों के भीतर परेशान हाल लोग, ये हाल है काशी का। जी हाँ, आप देखिए पीछे सड़क सन्नाटा है। जो लोग हैं वो वाहनों से अपने घर की ओर जाते नजर आ रहे हैं। 40 डिग्री तापमान पहुंच चुका है और सूरज की किरणें हर किसी को बेहाल कर रही हैं। कोरोना के डर से पहले तो घरों में रह रहा है आदमी, और घरों में गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। हाल क्या है काशीवासियों से जान लेते हैं। नाम जानेंगे आपका? अंकित कुमार जायसवाल। अंकित जी, गर्मी का हाल किस तरह का है? सर बहुत बुरा कंडीशन है सर, बाहर कोरोना का डर और घर में सर रह रहे, उमस लग रही है, तापमान बढ़ रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और बाहर आ रहे हैं तो उसका डर, घर में तो गर्मी समझ नहीं आ रहा, करो तो करें क्या हम लोग। एक बात बताइए कि परेशानी है, डर है, इस माहौल के बीच काशीवासी कैसे रह रहे हैं? इस समय तो सभी हाल भी देख रहे हैं कि गर्मी की वजह से सभी बेहाल हैं, इसलिए कि हम लोग भी बेहाल इतने हैं गर्मी की वजह से कि हम लोग बाहर आके देखिए खड़े हैं, क्या करें, हम लोग किधर जाएं, कहां ना जाएं, इतना डर भी है। बाहर आए तो कोरोना का डर है, अंदर हैं तो गर्मी। कैसे पा रहे हैं आप लोग, शीतल पेय पी रहे हैं, कैसे रहा? अब इधर देखिए, इधर उधर बाहर खड़े हैं, थोड़ा सा धूप में तो छाँ है इधर, इसलिए खड़े हैं अभी। तो छाँव भी राहत नहीं दे रही है, शीतल पेय पदार्थ भी राहत नहीं दे रहे हैं, और लोग हैं कि डर के मारे घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं, घरों में जाते हैं तो गर्मी उन्हें सता रही है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। गाजियाबाद में आज सुबह से ही गर्म हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तक पहुंच गया। भीषण गर्मी की वजह से सड़कें सुनसान पड़ी हैं। जिस जगह हम खड़े हैं ये हमेशा, चाहे कोई मौसम हो कोई समय हो, गुले गुलजार रहता था, यहाँ रौनक रहती थी, गाड़ियों की काफ़ी भीड़ भाड़ रहती थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का ही कोई वाहन यहाँ से आ जा रहा है। कल 42 डिग्री तापमान था और आज जब तापमान 38 डिग्री तक पहुँच गया है तो उम्मीद जताई जा रही है कि आज तापमान अपने रिकॉर्ड तोड़ सकता है, क्योंकि कल दोपहर में, भरी दोपहरी में जब तापमान 42 डिग्री था और आज तापमान 38 डिग्री हो गया है। गाजियाबाद से विपिन तोमर, एबीपी गंगा। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है एबीपी गंगा की, खबर का बड़ा असर हुआ है। अस्पताल में मोबाइल वैन करने का फैसला जो है वो वापस ले लिया। एबीपी गंगा ने सवाल उठाया था कि आखिर जिस तरीके से फैसला लिया गया है, जो 14 से 15 दिन लोग रहते हैं उनकी मानसिक स्थिति को कैसे बेहतर किया जाएगा। इसके अलावा सवाल एबीपी गंगा ने यह भी उठाया था कि अगर मोबाइल से संक्रमण का खतरा है तो मोबाइल को क्या सैनिटाइज नहीं किया जा सकता। और एबीपी गंगा ने यह भी सवाल उठाया था कि अगर वार्ड अधीक्षक के पास दो मोबाइल रहेंगे, उन दो मोबाइल को बाकी लोग इस्तेमाल करेंगे तो क्या कहीं और ज़्यादा खतरा नहीं पनपेगा। और अब एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है, अस्पताल में मोबाइल बैन करने का फैसला वापस ले लिया गया। यूपी सरकार ने फैसला वापस ले लिया है, मरीज मोबाइल अपने साथ रख सकेंगे। खासतौर से L2 और L3 ग्रेड के जो कोविड अस्पताल हैं वहाँ के लिए फैसला लिया गया था, लेकिन अब इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इस फैसले को वापस ले लिया गया है। ये बड़ी खबर, एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। विपक्ष के सभी नेताओं को जोड़कर हमने सवाल किया था और एक तरफ से इसका एक सुर में विरोध हो रहा था और सभी ने सवाल खड़े किए थे कि अगर मोबाइल से संक्रमण फैल सकता है, तमाम चीज़ें जो संक्रमित करने वाली हैं उनको अगर सैनिटाइज किया जा सकता है तो फिर मोबाइल को क्यों नहीं। और इसके बाद अब खबर ये आ रही है कि मोबाइल अस्पताल में ले जाना जो बैन था अब उसे वापस ले लिया गया है। एबीपी गंगा संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, जैसे ये फैसला आया था विपक्ष ने भी हंगामा खड़ा किया था और एबीपी गंगा ने भी सवाल उठाए थे कुछ, और अब इसको वापस लिया गया है, क्या वापस लेने के पीछे कुछ तर्क दिया गया या फिर सामान्य तौर से बता दिया गया कि फैसला वापस ले रहे हैं? संतोष, सुन पा रहे हैं क्या? देखिए, इस पूरे मामले पर जब एबीपी गंगा ने सवाल खड़ी किया और उसके उत्तर प्रदेश में राजनीति गरमाने, जी अवधेश, जी बिल्कुल, उत्तर
उत्तर प्रदेश में राजनीति गरमाने लगी थी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर के प्रदेश सरकार को घेरा था और सवाल खड़े किए थे कि आखिर क्या छुपाना चाहती है। जो कोविड के अस्पताल हैं जहां पे कोरोना के मरीज भर्ती हैं, सरकार संतोष हमारे साथ आप बने रहिए। समाजवादी पार्टी नेता अनुराग भदौरिया जुड़ गए हैं। भदौरिया साहब, विरोध आपने किया था एबीपी गंगा से, आप थोड़ी देर पहले जुड़े थे, अब सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया है कि L2 और L3 अस्पतालों में जो कोविड पेशेंट है वो मोबाइल ले जा सकेंगे, तो अब सरकार को मान लेना चाहिए कि सरकार कोई फैसला करे तो अपोजिशन के सबसे बड़े नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से विचार विमर्श जरूर कर लिया करे, क्योंकि उनको सरकार चलाने का अनुभव है, उन्होंने देश में और प्रदेश में विकास करके दिखाया था, इसलिए हम लोग का स्लोगन भी था विकास बोलता है। समाज को हित में रख के अगर कोई फैसला करेंगे तब जाके आप कामयाब हो पाएंगे, और समाज के हित की सुरक्षा और रक्षा उनसे ऐसा कोई नहीं कह सकता, इसलिए उन्होंने जो बोला था समाजवादियों ने जो बोला वही अंत में सही हुआ कि भाई आप ऐसे ऐसे फैसले लिए चले जाते हो कि आपको पता नहीं चलता आप फैसला ले क्या रहे हो। भाई कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिससे मोबाइल से कोरोना फैलता था? आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए मोबाइल पे बैन लगा रहे हो, इससे मतलब आप समझ सकते हो कि सरकार कितनी अनभिज्ञ है, इनएक्सपीरियंस है, सरकार चलाने में सरकार को कोई नॉलेज नहीं है, सरकार सिर्फ नुकसान करती है जनता का, इससे ज्यादा सरकार कुछ नहीं करती अपने गलत फैसले से। कई बार वो फैसले वापस बहुत ज्यादा होता है तो मजबूरी में लेती है, वरना कभी कभी ईगो में नहीं लेती है, लेकिन उसका नुकसान तो जनता का ही होता है ना एंड ऑफ द डे। इसलिए सरकार को कम से कम जिम्मेदारी पद पे सरकार बैठी है, अगर सरकार को थोड़ा अनुभव की कमी है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कभी कभी सलाह मशवरा कर ले, इसमें कोई बुराई नहीं है। भाई कोरोना महामारी में अगर मिलके आप लड़ने में दिक्कत क्या है? अगर आपके पास कोई सलूशन नहीं है तो आप बात कर सकते हैं, मिलके फैसला कर सकते हैं। भाई आप सजेशन मांग सकते हैं ना, भाई आप नेता हैं, आप वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, आप उनसे सजेशन मांग लीजिएगा, भाई ये मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जनता की इसकी बात है, इसमें आप मेरी मदद कर दीजिए, तो इसमें बुराई क्या है मुझे नहीं समझ में आया। इसमें अगर जनता का भला किसी फैसले में होता हो उसमें बुराई किस बात की? मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया इस बात को। जी शुक्रिया अनुराग जी, हमारे साथ आप जुड़े और आपने बातचीत की। तो अनुराग भदौरिया जुड़े थे और समाजवादी पार्टी की तरफ से ही पहला सवाल उठा था, संतोष यासी सवाल उठे थे और अंत में अब सरकार को फैसला वापस लेना पड़ गया। देखिए सरकार ने जो फैसला लिया, जो उस पर अभी आधिकारिक वजह और जो फैसला लेने के जो आधिकारिक जो आदेश होना बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि जो कोरोना के जो वार्ड्स हैं, जो मरीज हैं, वहाँ पर जो मोबाइल ले जाने पर पाबंदी थी उसको हटा दिया गया, कुछ शर्तों के साथ मरीज वहाँ पर ले जा सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीति गरमाई इस फैसले के पीछे, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि इससे सरकार कुछ छुपाना चाहती है, जब कोरोना में जब व्यक्ति क्वारंटाइन होता है तो ऐसे में मोबाइल ही एक अकेला सहारा होता है। इस तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्षी दल हमलावर ना हो, उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही प्रवासी मजदूरों को बस लगाने के मामले पर कांग्रेस से दो चार हो रही थी और अब अखिलेश यादव को ये मुद्दा मिला था तो उन्होंने भी ये सियासी तीर चलाए थे और आरोप लगाए थे। लिहाजा सरकार ने अपना ये फैसला जरूर वापस ले लिया है, लेकिन किन शर्तों के साथ लिया है, क्या वजह बताई है, अभी उसका आधिकारिक और कहा जाए कि विस्तृत आदेश जारी होना बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि जो कोरोना के जो मरीज थे उनको मोबाइल लेने पर जो पाबंदी थी उसको हटा दिया गया है और उनमें कुछ शर्तों के साथ वो कोरोना के मरीज जो वहाँ पर इलाज के लिए भर्ती होंगे कोरोना के अस्पतालों में, कोविड हॉस्पिटल्स में, वहाँ पर वो मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल संतोष, जिस तरीके से पूरी तस्वीर बनी उसमें जो पहले दावे किए जा रहे थे कि हम मरीजों के हित के लिए फैसला ले रहे हैं, उस पर पूरी तरीके से बैकफुट पर आना पड़ा और ये भी देखा गया कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा इसका विरोध शुरू हो गया था। देखिए बिल्कुल सोशल मीडिया का विरोध भी शुरू हो गया था और कहीं ना कहीं जो आरोप लगने लगे थे और जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कहा कि सरकार कुछ छुपाना चाहती है। दरअसल इस कोरोना के काल में तमाम ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुए जहां पर बदइंतजामी की भी खबरें आईं, बदइंतजामी की भी तस्वीरें आईं, जो कोरोना के मरीज थे उनकी बदहाली की तस्वीरें आईं, उन लोगों ने अपने साथ किसी को खाना नहीं मिला, इस तरीके के तमाम इस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियोस। तो इस मुद्दे को लेकर के सोशल मीडिया पर हमलावर होना शुरू हुआ, सोशल मीडिया पर तमाम तर्क कुतर्क दिए जाने लगे। अखिलेश यादव ने अपना तर्क दिया कि अगर आपको ज़रूरत है तो सैनिटाइज करके मोबाइल का इस्तेमाल करने की इजाज़त दीजिए, क्योंकि अगर जब व्यक्ति कोरोना में है, अकेले है, परिवार से अलग है, तो ऐसे व्यक्ति में दुनिया से कनेक्ट होने के लिए अकेले से मोबाइल ही एक सहारा बसता है। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने जो बात कही
कि अगर मोबाइल से संक्रमण फैल रहा है तो पूरे देश में इसको बैन किया जाना चाहिए। तो लिहाजा इसमें कहीं ना कहीं जो दूरंदेशी की कमी नज़र आई, इसी के चलते सरकार ने यह फैसला वापस लिया है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में राजनीति गरमाए। क्योंकि अभी फिर वही बात कि कांग्रेस जिस तरीके से हमलावर हुई, बस की राजनीति के चलते बीते एक सप्ताह से उत्तर प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है। बिल्कुल, तो और ये एक नई गर्मी पैदा हो रही थी और शायद इसी को समझते हुए सरकार ने फैसला वापस ले लिया। रिलीज हुई वेब सीरीज पाताल लोक लगातार विवादों में घिरती जा रही है। सीरीज में गोरखा समाज को लेकर उठाई गई आपत्ति के बाद अब गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने वेब सीरीज के निर्माता अनुष्का शर्मा के खिलाफ लोनी थाने में तहरीर दी। विधायक नंदकिशोर गुर्जर का आरोप है कि वेब सीरीज में उनका और राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। नंदकिशोर गुर्जर के मुताबिक असली तस्वीर में उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ थे, जिन्होंने 30 मार्च 2018 को एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया था और वेब सीरीज में इसी फोटो को एडिट करके सीएम योगी की जगह कलाकार को लगा दिया गया। विधायक का आरोप है कि उनकी मंजूरी के बिना अनुष्का शर्मा ने उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया है, कई जातियों के खिलाफ दुष्प्रचार भी किया है। विवादों में घिरने वाली वेब सीरीज पाताल लोक अकेली नहीं है, इससे पहले सेक्रेट गेम्स को लेकर भी विवाद हुआ था और अब नेटफ्लिक्स पर लॉन्च होने वाली वीरदास की वेब सीरीज हसमुख भी विवादों में फंसती नजर आ रही है। इसका प्रसारण रोकने की मांग हुई, ऐसे में सवाल है कि किसी भी विषय पर बनाई जाने वाली ये फिल्में क्या उनसे जुड़े विषय और कैरेक्टर पर रिसर्च के बिना बन रही हैं? यहां पर विवादों के जरिए सुर्खियां पाने का यह तरीका बन चुका है। तो पाताल लोक विवादों में है। पाताल लोक अमेजन प्राइम पर 15 मई को स्ट्रीम हुई, लेकिन आरोप लग रहा है कि वेब सीरीज में समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाई गई। अनुष्का शर्मा ने बतौर प्रोड्यूसर वेब सीरीज बनाई है। पाताल लोक अमेजन प्राइम पर स्ट्रीम हो रही है और जो विधायक है उनका कहना है कि बिना उनकी सहमति के, उनकी इच्छा के बगैर उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है और ये गलत है। तो उन्होंने हमारा एक उद्घाटन हुआ था एलिवेटेड रोड का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया था, तो मेरा और माननीय सांसद और हमारी पार्टी के नेताओं का फोटो लगा करके उस सीरीज में चलाया है और वो सीरीज इतनी ज़्यादा जातियों में आपस में व्यवस्था पैदा करती है कि दलित और जट पंजाब में लड़ते हैं, कितना उनमें भेद दिखाया है। और हमारे त्यागी समाज का एक हथौड़ा त्यागी नाम से दिखाया गया है जो अपने ही ताऊ की लड़कियों का बलात्कार कराता है। मतलब हमारे समाज का जो ताना बाना है, जो समाज हमारे देश के लिए लड़े हैं उनका स्तर निम्न दिखाना, एक ग्वाला गुजर है, एक और नाम जो माफिया उसमें दिखाया गया है दुनालिया गुजर, उनको जबकि चित्रकूट में उनको माफिया बताया और वो पूरे देश में मर्डर कराते हैं और उनको दिखा करके, जबकि चित्रकूट में गुजर नहीं है, जिस जाति ने पूरे देश पे नहीं पूरे एशिया पर राज किया हो, उनकी छवि को खराब करना, उन्हें अपराधी बताना। हरदोई में आरएसएस नेता की दबंगई का मामला सामने आया है। शादी से इनकार करने पर आरोपी नेता ने पिता पुत्र को बंधक बना लिया और उनके साथ बदसलूकी की। आरोप है कि आरएसएस नेता ने शादी से इनकार करने पर पिता पुत्र के कपड़े उतरवाए और उन्हें मुर्गा भी बनाया। इसके अलावा बदसलूकी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की है, जिस पर पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। तो देखिए ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, हरदोई की तस्वीर है जहां पर पिता पुत्र के कपड़े उतरवा कर उनके साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी की। दरअसल एक शादी का ये पूरा मामला था और जब रिश्ता नहीं आगे बढ़ पाया तब इनके साथ बदसलूकी की गई, बदतमीजी की गई। अरे लाइव मत करो भाई, लाइव रहने दे। जो ऐसे पहले तो कुर्सी हटाओ यार, तुम तो कुर्सी दे दे, कुर्सी काहे दे यार, इतनी इज्जत दे दे, हटाओ कुर्सी हटाओ। लखीमपुर जनपद के पलिया कला से कुछ लोग यहाँ आए थे जिनकी बेटे की शादी का प्रकरण यहाँ तय हुआ था और कैंसिल होने के बाद आज इनका लेन देन हो रहा था। उसी बीच में पूर्व में भी इनकी शादी तय हुई थी यहाँ ही किसी दूसरे मंडी के आरती के बेटी से, उसी में मारपीट हुई है और संबंध में कुछ लोग यहाँ कोतवाली पर मौजूद हैं जो तहरीर देंगे और तुरंत अनुसार कार्रवाई करेंगे। मारपीट के कुछ वीडियो भी सर सामने आए हैं, अभी हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, होंगे तो उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे।
आगरा में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। रेप पीड़िता पर समझौता के लिए दबाव बनाए जाने की खबर दिखाए जाने के बाद अब एसआईटी का गठन किया गया। एक हफ्ते में एसआईटी एसएसपी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके अलावा रेप पीड़िता के परिवार को सुरक्षा भी मुहैया करा दी गई है। आपको बता दें कि रेप पीड़िता ने पूर्व सांसद और इलाके के राजा अरदिमन सिंह पर समझौते का दबाव डालने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर बीते 20 मार्च को गाँव में लॉकडाउन के बीच पंचायत भी बुलाई गई, जिसका वीडियो भी सामने आ चुका है। वहीं भदोही में दबंगों ने एक बुजुर्ग को लाठी डंडों से बुरी तरीके से पीटा। जमीन विवाद में पूरे परिवार की पिटाई की गई। सोशल मीडिया पर अब ये पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। भदोही के औराई कोतवाली के खेतलपुर गांव का ये मामला है। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। अब तस्वीर देखिए, भदोही की तस्वीर है जहाँ पर एक बुजुर्ग को बुरी तरीके से पीटा गया, उसके पूरे परिवार को मारा गया। बुजुर्ग की हालत गंभीर है और बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है। बहुत बुरी तरीके से पिटाई गई। देखिए ये विभत्स तस्वीरें हैं और ये आपको हम बिना धुंधला किए नहीं दिखा सकते। अब बुजुर्ग की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें वाराणसी के हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया है। और बड़ी खबर सुल्तानपुर से भी है। सुल्तानपुर में 15 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। दरअसल जिला अस्पताल में 6 कर्मियों को कोरोना हुआ है। जिले में कोरोना मरीजों की जो संख्या है अब 62 पहुंच गई है। नए मरीजों में 4 साल की एक बच्ची भी शामिल है। तो सुल्तानपुर में भी मामला लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इस बार 15 जो नए मामले सामने आए उसमें 6 लोग जिला अस्पताल के ही कर्मचारी हैं। और ज़िले में अब कोरोना मरीजों की संख्या 62 हो गई है। नए मरीजों में 4 साल की एक बच्ची भी शामिल है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए जहां सरकारें लोगों को जागरूक करने में लगी हैं, तो वहीं सुल्तानपुर के 2 भाई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने को लेकर मिसाल बना रहे हैं। मोतीगरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले 2 भाइयों ने अपने आप को घर से 600 मीटर दूर खेत में क्वारंटीन कर दिया है। इसके लिए उन्होंने पेड़ पर मचान बनाया। अब ये लोग इसी मचान पर अपना वक्त बिता रहे हैं। आपको बता दें कि दोनों भाई 12 मई को दिल्ली से वापस अपने घर लौटे थे और सबसे बेहतरीन ढंग से इन्होंने लॉकडाउन और जो सोशल डिस्टेंसिंग का नियम है उसका पालन किया है। यहाँ और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, अपने आप को क्वारंटाइन किए हुए हैं और साथ में दूसरे दिन जाकर हमारे साथ में सामुदायिक केंद्र में हमने अपना और अपने भाई का स्क्रीनिंग भी करवाया, जिसमें हमारा सब कुछ सामान्य पाया गया और हम दोनों भाई यहीं पर रह रहे हैं। घर से भी खाना पीना आ जाता है और स्कूल में भी हमारे यहाँ खाने पीने की व्यवस्था है, वहाँ से भी आता है। तो हम इसका पालन कर रहे हैं। हम आप और लोगों से भी गुजारिश करते हैं।